नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अभी पुल बैक कर रहा है एंड पुल बैक करने के बाद अभी उसका मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में एक बार अब मूव दे सकता है अगर उसका मेजर सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, क्या रिस्क रोड बन रहा है, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर अभी हम स्टॉक का सेक्टर देखेंगे, शुगर का इंडस्ट्री है शुगर का, जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप यहाँ पे चल रहा है 3378 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 4102 करोड़ का। मार्केट कैप से ऊपर इसके पास रिजर्व कैश है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। करंट प्राइस चल रहा है 26.5 एंड इसका बुक वैल्यू है 33। बुक वैल्यू के नीचे इसका करंट प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है जो कि और एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव ये है कि स्टॉक का पी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रहा है जो कि एक रेड फ्लैग है। आगे हम डिटेल्स में कवर करेंगे क्यों इसको काउंटर कर लेता है चार्ट। अगर डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.97 आप इसको मैनेजेबल मान सकते हैं। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप वहाँ पे उसको कंसिडर कर सकते हैं फ्लैट। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 26%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 58% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 72%। लास्ट 1 ईयर से ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है, नहीं तो फाइनली प्रीवियसली लास्ट 3-4 ईयर से स्टॉक का प्राइस वहाँ पे कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे लास्ट 2-3 क्वार्टर में एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मार्च 23 में यहाँ पे सेल्स पीक बना था 2054 करोड़ का जो कि हाइस्ट था लास्ट 10 क्वार्टर का, लेकिन जून एंड सेप्टेम्बर क्वार्टर में यहाँ पे धीरे धीरे करके सेल रिड्यूस हो रहा है जो कि एक रेड फ्लैग है एंड सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्च 23 में नेट प्रॉफिट था कंपनी का 131 करोड़ का, लेकिन नेक्स्ट 2 क्वार्टर में यहाँ पे देखिए लॉस डिक्लेयर किया है जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन हमको पता है कि प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर प्राइस में यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का रिहर्सल देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का ईपीएस एंड सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस सेटअप का एक रूल है, हमेशा से टाइम के साथ आपका व्यू को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 25% जो कि रेड फ्लैग है। FI के पास माल है 1.8%, DI होल्ड कर रहे हैं 9.45% एंड बाकी जो माल है 64% यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है एंड पब्लिक होल्डिंग से 4% के आसपास बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं। तो 64-4 तो 60% यहाँ पे रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, तो एक कंपनी का ऑफिशियल मालिक है रिटेल पब्लिक एंड जो कि एक बड़ा सा रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं 60% जो कि बड़ा सा रेड फ्लैग है। लेकिन चार्ट सेटअप बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट का इस मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा शायद स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर सकता है जब तक कि स्ट्रक्चर बियरिश नहीं हो जाता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। प्राइस हमेशा से बड़ा टाइम फ्रेम में एक चैनल को फॉलो करता है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे 2006 में टॉप बन जाने के बाद यहाँ पे एक मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था जो कि लगभग 15-17 ईयर्स का था एंड 2021 में प्राइस के लिए देखिए जो मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड चैनल था ना, प्राइस यहाँ पे उसको ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक रेंज के अंदर यहाँ पे पुल बैक किया एंड पुल बैक करने के साथ देखिए अभी यहाँ पे और एक बार जो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री था उसको भी ब्रेकआउट किया है, जो ब्लू लाइन जो कि लेवल था नियरली 24.5 के आसपास। पहले तो प्राइस देखिए उसका मल्टी ईयर का जो डाउन ट्रेंड चैनल था यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 11 के आसपास, उसके साथ जो ब्लू लाइन जा रहा है हॉरिजॉन्टल बाउंड्री उसको ब्रेकआउट किया 24 के आसपास। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे हाई बनाया था 36 के आसपास एंड 36 को टेस्ट करने के बाद प्राइस देखिए पुल बैक करके अभी 26.5 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। ये तो हो गया डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट, उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट किया था। ये हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर,
ए हो गया उसका हेड एंड ए हो गया उसका राइट शोल्डर एंड इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेक लाइन था ना ब्लू लाइन उसको ऑलरेडी प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था एंड ब्रेकआउट करने के बाद अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड पुल बैक दिया है। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखवाऊंगा तो क्लियर कट आप देख पाएंगे। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड ये हो गया उसका राइट साइड राइट शोल्डर। देखिए जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो एक बुलिश पैटर्न है। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अगर बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है माना जाता है कि स्टॉक का प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्राइस कंस्ट्रक्ट किया है जिसकी वजह से एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि आने वाले टाइम में कंटिन्यूशन मूव आ सकता है क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे जो 38 लेवल को हाई बनाने के बाद अभी पुल बैक दिया है। जैसे कि आज पर द प्राइस एक्शन अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है अभी के लिए वो लेवल एक्टा जे मल्टीयर का सपोर्ट क्योंकि 23.5 जो लेवल था ना प्रीवियस लेके ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था एंड यहाँ पे ब्रेकआउट किया वही लेवल अभी के लिए एक्टा जे सपोर्ट। तो जो 23.5 लेवल यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जैसा काम करेगा स्टॉक का प्राइस के लिए एंड अगर इस लेवल को प्राइस होल्ड कर लेता है तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आ सकता है एंड स्टॉक का प्राइस के लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा नियरली यहाँ पे 105 नेक्स्ट 205 इस दोनों टारगेट को भी प्राइस टेस्ट कर सकता है बड़ा टाइम फ्रेम में। एंड देखिए यहाँ पे जो करेक्शन किया था ना 38 को टेस्ट करने के बाद उसका रीजन था ए लेवल, तो देखिए जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे पुल बैक किया था क्योंकि प्रीवियसली देखिए ए लेवल था सपोर्ट उसको ब्रेकडाउन करने के बाद अभी के लिए वो बन गया है रेजिस्टेंस। अगर इस लेवल को प्राइस नीचे से ब्रेक नहीं करता है तो कंटिन्यूशन मूव आने वाले टाइम में आ सकता है। जिस टाइप का प्राइस सेटअप इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट में भी आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है। उसके साथ अगर रेशियो चार्ट देखेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट भी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी उसका डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है। अगर रेशियो चार्ट उसका डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक कर रहा है उसका मीनिंग ये है कि आउट परफॉर्मेंस उस स्टॉक में आ सकता है एंड यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखिए प्राइस ऑलरेडी उसका जो मेजर रेजिस्टेंस था ब्लू लाइन उसको ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करके अभी पुल बैक कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे एक मोमेंटम एस्टेब्लिश कर चुका है यहाँ से भी आउट परफॉर्म आ सकता है। तो रेशियो चार्ट एंड प्राइस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है, बस आपका एनालिसिस को वार्ड कीजिएगा, रिस्क वार्ड कीजिएगा एंड आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ हम डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।